Ganpati, Baba, which starts, I think, from the day the visarjan happens, you start preparing for the feast one. It is so beautiful to see your country, all in paint, all in that, you know, royal glory. What do you have to say about this whole huge, nice arrangement that you made with Lucky Record? सबसे पहले गणपति बप्पा मोरिया मंगलमूर्ति। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा फिफ्थ ईयर है गणपति जी के साथ, एंड आई थिंक आई फील ब्लेस्ड कि वो मुझे चूज़ करते हैं कि मैं हर बार ही उनको बुला पाऊँ। एंड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि मैं, जब आप सिलेक्ट करने जाते हैं बप्पा को, तो आपको तो पता ही होगा कि वो हम नहीं सिलेक्ट करते, वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं। तो हर बार ही एक बप्पा की मूर्ति होती है जो मुझे बोलती है कि इस साल शायद उनके साथ ही मैं सेलिब्रेट करूँगी, तो इस साल भी यही हुआ। पर इस बार सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि मैंने बप्पा को खुद अपने हाथों से सजाया है, क्योंकि इस बार हम उनका विसर्जन नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हम उसको अपने दिल्ली वाले घर में लेके जाके फैक्ट्री में उनकी पूरी तरह से स्थापना करेंगे 11 दिन के बाद। तो ये वाले बप्पा मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्पेशल हैं, क्योंकि सिलेक्शन से लेकर उनके कपड़ों से लेकर उनकी हर एक नग और उनकी सजावट से लेकर सब कुछ मैंने खुद ही किया है। एंड जैसे कि मैं हर साल करती हूँ, पूरा का पूरा डेको सब अपने हाथों से करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हम इतने ज़्यादा बिजी होते हैं बाकी सब चीज़ों में, अपने इवेंट्स में, अपनी चीज़ों में, तो जब बप्पा आने वाले होते हैं हम कुछ दिन तो निकाल ही सकते हैं उनकी, उनको वेलकम करने के लिए या अपनी ज़िंदगी में से सबसे ज़्यादा अच्छा हिस्सा बनाने के लिए। अभी काफ़ी कुछ कहा फैंस ने, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या विशेष रहेंगे उनके लिए, किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप सबके साथ? जी हाँ, जो मुझे बहुत ही स्पेशल लग रहा है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे बॉम्बे में, फिर भी सब लोगों के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन गया है। एंड वो लोग आ रहे हैं एंड मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं, एंड इनफैक्ट विश करते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ लाइफ में यही होती है कि कोई किसी को ब्लेसिंग कर पाए, एक ब्लेसिंग दे पाए, और उसके साथ साथ आपके साथ खड़ा रहे, तो वही सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा मित्र वही होता है। तो आई फील ब्लेस्ड, देर आर सो मेनी पीपल हु आर देयर टू ऑलवेज ब्लेस मी एंड सपोर्ट मी एंड टू स्टैंड बाय माय साइड। अच्छा, किसका आइडिया था ये कि यहाँ से दिल्ली लेके जाएंगे गणपति को और वहाँ रखेंगे, ये आइडिया किसका था? एक्चुअली हुआ ये था कि हम सोच रहे थे कि जैसे अभी हमारी फैक्ट्री नई बनी है, तो हम सोच रहे थे वहाँ पे सबसे पहले, क्योंकि बप्पा से ही सबसे शुभ शुरुआत होती है एंड सारे विघ्न हटता है वो, तो हमें लगा एक अच्छी बप्पा की मूर्ति लेकर आए। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे ही, तो हम इस बार ही विसर्जन क्यों करें, वो ही बप्पा हम अपने घर पे और अपनी फैक्ट्री में उनकी स्थापना करेंगे। नियम तो लगन होगा, नियम ये है कि उनका विसर्जन करते हैं, अब नियम से अटक जा रहे हैं। विसर्जन एक्चुअली हम लोग इसलिए करते हैं, आप बप्पा को तो पूरे सालों साल रख सकते हैं, विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर क्योंकि बड़ी मूर्ति होती है तो आपको उनकी सारी सुख सुविधा का आपको ख्याल रखना पड़ता है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखते हैं तो आपको उनका खाना, उनका भोग लगाना, उनकी प्रॉपर पूजा करना, वो फैक्ट्री में हम वैसे भी फॉलो करते हैं। तो अगर जो बप्पा मेरे घर आए, अगर मैं उनको ही स्थापना उनकी कर दूँ, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। विसर्जन करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको रिस्पेक्ट देना इम्पोर्टेंट है। ऋषिका जी, आपने बहुत सारे काम किए, आपने बप्पा से क्या मांगा, आपने कौन आपके लाइफ में रोल मॉडल है जिस साल काम करने बड़ा इच्छुक रहा, इच्छा है आप काम करने की, कौन से साल? मेरा सबसे ज़्यादा जो मेरे मन है कि मैं इस साल एक अच्छी मूवी करूँ, अच्छे लोगों के साथ करूँ, दैट इज़ माई ओनली विश। कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है, मुझे लगता है कि यूनिवर्स खुद डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या और कौन जुड़े और कब जुड़े, तो जब यूनिवर्स को सही लगेगा तो वही मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो वैसा कलाकार है, ड्रीम कलाकार के साथ में काम करना है या इसके अंदर? मेरी सबसे बड़ी ड्रीम तो यही होगी कि मैं संजय लीला भंसाली सर के साथ काम कर सकूँ, दैट विल बी माय ड्रीम कम ट्रू। और कुछ कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों के साथ? मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि आप इस गणपति पे सबका ख्याल रखिए, इको फ्रेंडली गणपति रखिए, एंड इसके साथ साथ आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए। तो वन सेकंड, क्या साइमा में इस बार
सो देयर आर टू बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग आउट इन साइमा एंड आई फील एब्सोल्युटली ब्लेस्ड के साइमा के लिए मैंने रेड कार्पेट दोनों सिटीज में वॉक करा, हैदराबाद एंड बैंगलोर, एंड उसके बाद हम लोग दुबई गए. एंड लाइक लॉट ऑफ ग्रेट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम द साउथ एंड इट्स अ एब्सोल्यूट ऑनर टू बी वॉकिंग फॉर साइमा इन दुबई एंड एंड बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर जर्नी. So this 2023 has been absolutely amazing and very blessed because अभी मैं House of Lords and क्या कहते हैं Ministry of Culture and External Affairs की ambassador बनी हूँ, their youth ambassador for this entire year. So we'll be representing India in a lot of different nations. That's one. And apart from that, एक जियो सिनेमा की जो मैं फिल्म कर रही हूँ मैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. इसके साथ साथ साउथ के जो दो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. सो आई थिंक ऑल इन ऑल बप्पा इज़ बीन एक्सट्रीमली काइंड फॉर मी दिस ईयर एंड लॉट ऑफ ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग. इन फैक्ट फिक्की के साथ भी हम जुड़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं, स्पेशली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड टू ऑल्सो टू सेव द एनवायरमेंट. हम लोग कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दीज आर द अदर थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड आई होप इंडस्ट्री ऑलवेज बी काइंड टू मी जैसे कि वो आज तक रही है. थैंक यू सो मच. मोरया गणपति बप्पा मोरया मंगल मूर्ति मोरया.